Okay, so peace be with you, my dear students and the participants of this group, this class. I hope you all are doing well. And let us brush up quickly that what we have started in the previous lecture, previous series of lecture, it's already on the YouTube. What we have studied, it's well known. Okay, that we have been studying related to the basic concept of electrochemistry. Let's take it like this, topic wise. Theek hai? We studied about the concept of electrochemistry. The basic the types of cells. Then we moved towards the industrial applications. In it, we studied the working of down cell and the working of Nelson cell. इनका हमने एक जो है comparison भी draw किया था कि down cell में fused sodium chloride क्यों use किया जाता है और Nelson cell के अंदर aqueous sodium chloride क्यों use किया जाता है. दोनों में common चीजें भी हमने देखी और दोनों के अंदर जो था हमने जो है आपके differences we studied in detail. So today, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मशहूर quotation है, मैं हमेशा इसको quote करता हूँ whenever I write an article या कहीं भी कोई ऐसे writing करो या कोई writing या कोई verbal बात चल रही हो तो I always quote this quotation कि that when you pray for the rain, be ready to deal with the puddle. ठीक है, जब बारिश के लिए दुआ करते हैं तो कीचड़ से भी निमटने के लिए आपके पास सलाहियत होनी चाहिए. तो इसी तरह ये हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ी केमिस्ट्री में के अंदर, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर. आई होप माई वॉइस इज क्लियर जी स्टूडेंट्स. जी बताइएगा, थम्स अप इफ माई वॉइस इज ओके. फाइन फाइन, इट्स गुड, शाबाश. तो जब हमने सेल्स के बारे में पढ़ा और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखी, हमने डाउन सेल देखा, नेल्सन सेल देखा, तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, not from down cell or Nelson cell exclusively, but with the whole idea of the electrochemistry. ab wo kya hai electrochemistry, jahan pe puri duniya ko fawaid pahuncha rahi hai, wahi pe kuch had tak nuksanat bhi hain, jaise ki corrosion ek bahut bada factor hai jiski wajah se destruction of the metal hoti hai. theek hai, corrosion hai, rusting hai. तो आज का जो टॉपिक है इसी कहानी के इर्द-गिर्द घूमता है, इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द घूमता है, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. हम देखते हैं करोजन क्या होती है और फिर रस्टिंग क्या होती है, और आज रस्टिंग की केमिस्ट्री भी देखेंगे कि जंग कैसे लगता है, द केमिस्ट्री ऑफ रस्ट, व्हाट इज इट एक्चुअली. ठीक है, और इसके बाद फिर हम थोड़े से मैथड्स भी देखेंगे कि रस्टिंग से कैसे बचा जाए, हाउ टू गेट सिक्योर, हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेटल्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सब्सटेंसेस फ्रॉम रस्टिंग और करोजन. So we will study those concepts in detail as well today. तो सबसे पहले स्टार्ट करते corrosion से. Corrosion, yes, now it's more visible. What is corrosion? Corrosion is slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. उसके जो इर्द-गिर्द medium है, इस metal के, ये अगर for instance suppose this is a metal and इसके इर्द-गिर्द जो surroundings है, इसका जो temperature है, pressure है, moisture है, viscosity है, air है, उसकी वजह से जो इसके ऊपर असर पड़ रहा है, स्लो तो है लेकिन कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द सराउंडिंग मॉइस्चर. अब ये देखें, पहले ये मेटल था, अब इसका जो ईटिंग अवे हो गया है, यानी कि उसका मेटल के वॉल्यूम के अंदर, मेटल के मास के अंदर फर्क पड़ता है, उसको हम कहते हैं करोजन. क्या कहते हैं उसको हम? वी कॉल इट करोजन, कंटिन्यूअस एंड स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड करोजन. किसी चीज का करोड़ कर जाना, खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, ओके, सेपरेट हो जाना, टूट जाना, ओके. इट इज अ रिडॉक्स केमिकल. ये देखें, ये कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का. इट इज अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल की सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर है, प्रेशर है, एयर है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, सॉरी. तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सराउंडिंग से आता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड करोजन. दे आर द सेम, सिर्फ थोड़ा सा टर्म फर्क है, इसलिए कि करोजन जो है वो सब मेटल्स के लिए होती है, कोई भी मेटल, तो जिंक है, कैल्शियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, इनका सबका जो खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, ईटिंग अवे होना, ये इसको हम करोजन कहते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली जब आयरन की बात आप करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन, सो इट उसकी भी करोजन ही है,
लेकिन उसको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के अंदर हम रस्टिंग कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ जंग जो है वो आयरन के ऊपर ही लगता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोशन एंड रस्टिंग। अब इसकी चंद एक जो है केमिस्ट्री से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज को क्रोड करने के लिए उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना है। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज्यादा एयर के अंदर मॉइस्चर होगा, उतनी ज्यादा क्रोजन का लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा। सिमिलर इज द केस विद आयरन। अब आयरन को अगर जंग लगाना है या आयरन का जो है रस्टिंग होने का प्रोसेस को फास्ट अप करना है, यू नीड टू स्पीड अप द प्रोसेस और द रेट ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हाट यू नीड, यू नीड दिस, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अराउंड इट। और मॉइस्चर कहां से आएगा? एयर के अंदर से, ठीक है। ओके, मॉइस्चर क्या होता है? एयर वेपर्स, वाटर वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, उसको हम कहते हैं मॉइस्चर। पहली और द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी मॉइस्ट एयर फॉर द आयरन टू रस्ट। लोहे का जंग लगाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? हवा में नमी होनी चाहिए। इसको उर्दू में इस तरह समझाते हैं, हवा में क्या होनी चाहिए? नमी होना चाहिए, देयर मस्ट बी मॉइस्चर इन द एयर। अगर वाटर वेपर्स ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो रस्ट, अगर वाटर वेपर्स ही नहीं है तो रस्टिंग ही नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये बेटा किसको ज्यादा उसके प्रॉब्लम हो रही है, या उसने आज कपड़े झाड़ के नहीं पहने अपने? आप लोगों ने नहीं पढ़ना, यू कैन गेट लॉस्ट। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। सो व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे कि जहां पे वाटर नहीं है, यानी कि जहां पे हवा में नमी नहीं है, वहां पे रस्टिंग का प्रोसेस स्लो, बहुत स्लो, या होगा ही नहीं, ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी केमिस्ट्री बड़े ध्यान से समझनी है। ये तीन प्रोसेसेस हैं, इसको मैंने तीन से चार प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, तो बारी बारी हम चलते हैं, ठीक है, कि होता क्या, फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फिर सेकंड प्रोसेस क्या होगा, फिर थर्ड प्रोसेस क्या होगा, और फाइनली रस्ट किसको कहते हैं। सो लेट अस स्टडी, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। पहले कंडीशन तो हमने पढ़ी जो है कि एयर के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। आगे चलते हैं, मैं साथ साथ इसको कोशिश करता हूं, नहीं आई कैन नॉट, ओके, आई कैन नॉट एनोटेट। स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। दिस रीजन इज कॉल्ड, अब ये पहला प्रोसेस समझा रहा हूं, दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर इसके अंदर डेंट्स पड़ जाए, मैं इसको कहीं चोट लगी, इसको कोई बच्चे ने किसी ने हैमर से मारा, तो वहां पे डेंट्स पड़ जाएंगे, गैप आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे जब स्टेन्स पड़ जाएंगे या डेंट पड़ जाएगा, तो वहां पे आयरन जो है, आयरन के सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, इस ये एक्टिव साइट्स होती हैं, ये जो स्टेन्स और डेंट्स होते हैं, दे आर द एक्टिव साइट्स। व्हाट दे आर द एक्टिव साइट्स फॉर व्हाट, फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस। आयरन की रस्टिंग के लिए दे आर द एक्टिव साइट्स। क्या पहली बात है? स्टेन्स एंड डेंट्स। इस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन। और एनोड पे आपको पता है हमेशा क्या होती है? एनॉक्स, ऑक्सीडेशन होती है। तो स्क्रीन की तरफ जरा देखें, आयरन जो था जिसके ऊपर डेंट पड़ चुके थे, अब उस पर ऑक्सीडेशन हुई, तो आयरन आयंस बन गए और साथ चार इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। पहला प्रोसेस समझ लें, आयरन आयंस रिलीज्ड एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्या हुआ इसमें? चार इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज हो गए। अच्छा, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, और रस्टिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है? रस्टिंग के लिए पहली कंडीशन बेटा ये है कि यू नीड द डेंट्स एंड द स्टेन्स। डेंट और स्टेन जो पड़ जाते हैं मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, उससे क्या होता है, उसको जगह मिल जाती है, एनोडिक रीजन बन जाता है वो। एनोडिक रीजन का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, और जब ऑक्सीडेशन होती है उसमें से आयरन आयंस और चार इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर है। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है? ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा कि कम होगा? तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है डैमेज होना शुरू हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्टिंग टू डैमेज। शाबाश। अब जब ऑब्जेक्ट डैमेज होना शुरू हो गया,
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ये जो आयरन से निकले थे, इसको इसका भी बड़ा रोल है, इसको भी जरा देखिए. ये जो आयरन से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, व्हाट हैपेंड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट. अब आयरन शीट से मूव करके कहां जाते हैं, अंटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन नियर द सर्फेस, सराउंडेड नियर द सर्फेस सराउंडेड बाय द वॉटर लेयर एज शोन इन फिगर 7.6. ये समझने से ताल्लुक रखते बेटा, ये समझे. वो जो चार इलेक्ट्रॉन्स थे, अब जब डेंट पड़ गया आयरन के ऊपर, ठीक है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो निकले वो उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, आयरन के उस हिस्से पे जाने की कोशिश करेंगे जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है. मॉइस्चर के अंदर भी क्या ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है. वाटर कंटेंट इज मोर, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है. दिस रीजन एक्ट्स एज अ कैथोड. दूसरा पॉइंट जो था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन से आयरन से निकले वो कहाँ चले गए, वो ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी. और जब ऑक्सीडेशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो वहाँ पे वाटर भी तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि मॉइस्चर कॉन्टेंट इज मोर. दो बातें, दूसरा पॉइंट भी हमें समझ आ गया. अब ये जो थे, देखें ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन आयन्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो चार इलेक्ट्रॉन्स आयरन से निकले थे और इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया. अब सवाल ये आता है एच पॉजिटिव आयन्स कहाँ से आई, तो आपकी एयर में सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर तो नहीं था, आप ठीक है, आपकी एयर के अंदर नाइट्रोजन भी, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का तो रोल है. बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच गैसेस, ऑक्सीजन इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर. तो फिर एच पॉजिटिव आइंस कहाँ से आई, वो कार्बोनिक एसिड से आई, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच, लिख ले कार्बोनिक एसिड के ऊपर बेटे H2CO3, कार्बोनिक एसिड के ऊपर लिख लें H2CO3. H2CO3 कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी था आपके एयर के अंदर, आपके एयर के अंदर मॉइस्चर भी था, मॉइस्चर होते वाटर, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिले तो कार्बोनिक एसिड बन गया. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3. थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ आ गया अगर, शाबाश, जल्दी से बेटे, टाइम इज वेरी शॉर्ट, गुड. तो जल्दी से हम, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए मॉइस्चर का होना जरूरी है एयर के अंदर, ठीक है. फिर दूसरा हमने देखा कि मॉइस्चर अटैक का करेगा जहां पे डेंट्स होते हैं आयरन के ऊपर, डेंट्स और स्टेन्स पड़े होंगे. अच्छा, वहां पे फिर आयरन के अंदर डेंट्स और स्टेन पड़ने का मकसद क्या है, वहां पे वो एनोडिक रीजन बन जाता है. एनोडिक रीजन का क्या मतलब होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं चार, ये चले जाते हैं सर्फेस के ऊपर, और जब ये सर्फेस के ऊपर चले जाते हैं तो सर्फेस के ऊपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है, जिसको हमने कार्बोनिक एसिड कहा, वो उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं. बात समझ आती है, अच्छा आगे चलते हैं, यहां तक आई होप इट्स प्रेटी मच क्लियर, शाबाश, ओके. सो ये भी बात हमने देख ली. अब एच पॉजिटिव आइंस कहां से आई थी, एच पॉजिटिव आइंस कार्बोनिक एसिड से आई थी, जो कि मैं बता चुका हूं. कार्बोनिक एसिड कहां से आया था, कार्बोनिक एसिड आया था बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर से, जो कि एयर में मौजूद था, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. ये मैं बता चुका हूं, दैट इज वाई एसिडिक मीडियम कार्बोनिक एसिड है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कार्बोनिक एसिड जो है, ये जो है आपका रस्टिंग के प्रोसेस को क्या कर देता है, फास्ट अप कर देता है. क्या कर देता है बेटा, इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, कार्बोनिक एसिड. ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए आयरन जो था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और एच पॉजिटिव आयंस कहां से, कार्बोनिक एसिड से, और अल्टीमेटली क्या बना, आयरन की आयंस बन गई और वाटर बन गई. ये आपने एज इट इज याद करनी है. अच्छा, अब आगे देखें रस्टिंग हो कैसे रही है. द Fe2 पॉजिटिव आयंस जो कि बनी, द आयरन आयंस जो बनी थी शुरू में पहले प्रोसेस के अंदर, जब चार इलेक्ट्रॉन्स गिवन ऑफ हुए थे, तो वो जो आयरन आयंस हैं दे फॉर्म स्प्रेड्स थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर, वाटर भी तो था, एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड NH2O. NH2O का मतलब है कि हमें वाटर के एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स का नहीं पता कि कितने, दो हैं, चार हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो इसलिए इसको सपोज कर लीजिए NH2O, N लिख लेते, वेयर N इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इसको हम कहते हैं रस्ट. वो जो आयरन की आयंस बनी थी, एक बात, उन्होंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन और वाटर तो आपको पता कहां से आ गया, और ये जब आपस में रिएक्ट किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.NH2O. Fe2O3.NH2O
NH2O, ये इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को केमिस्ट्री में हम रस्ट कहते हैं. है तो ये सॉल्ट लेकिन इट इज रस्ट. ये जंग का फॉर्मूला. पेपर में वो सवाल पूछता है, शॉर्ट में अक्सर पूछ लेता है, या एमसीक्यू में पूछ लेता है. इसको इसके ऊपर बॉक्स बनाए कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट. द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.NH2O. ये भी तो रिडॉक्स रिएक्शन की एक मिसाल है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो कि आपके के इसके साथ, रस्टिंग ऑफ आयरन के साथ जुड़े हुए हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, रस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि रस्ट कैसे चार प्रोसेसेस में मुकम्मल हुई. पहले इन्वायरमेंट हमने देखी, मॉइस्चर का होना जरूरी है. फिर दूसरा हमने देखा कि आयरन के ऊपर डेंट्स अगर लगे हो उस शीट के ऊपर, जिस दरवाजे पे अगर फॉर एग्जांपल लें, अगर दरवाजे के ऊपर डेंट्स या स्टेन्स होंगे तो वो एक एनोडिक रीजन का काम करता है. और एनोड के ऊपर हमेशा हमने देखा है ऑक्सीडेशन होती है. और अगर ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो दूसरा प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया. अब तीसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं. तीसरे प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं जी, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उनको क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ ना बेटा, रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं. इलेक्ट्रॉन्स जो लूज होते हैं, ये तीन चार क्यूरीज हैं, मैं उनको आंसर कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी. जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन. वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं सरफेस के ऊपर और ऑक्सीजन के साथ एच पॉजिटिव आइंस जो है, एच पॉजिटिव आइंस हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोनिक एसिड से. कार्बोनिक एसिड कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर से. और ये कहाँ पे, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है. इससे क्या होता है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है. चौथा प्रोसेस आ जाता है, सॉल्ट का प्रोसेस आ जाता है. सॉल्ट क्या, कौन सा बनता है, Fe2O3.NH2O. इसको हम कहते हैं रस्ट. क्या कहते हैं हम इसको, रस्ट कहते हैं. द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर करोजन. अब वो जो एक लेयर बन जाती है जंग की, वो पोरस है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स मजीद उसके अंदर से पास ऑन हो सकते हैं. और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से पास ऑन हो सकते हैं तो निचली लेयर को भी वो खराब कर देते हैं. इसलिए पूरे का पूरा, कभी कभार तो होता है कि जंग इतना शदीद लग जाता है कि वो आपको पूरे का पूरा फ्रेमवर्क ही निकालना पड़ता है. क्योंकि याद रखे वो उसको कवर अप नहीं करेगा, जंग की जो लेयर होगी, रस्ट की जो लेयर होगी वो पोरस है. पोरस का मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अपने अंदर से पास इन होने देगा. ठीक है, और जब वो पास इन होने देगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो चलता रहेगा. और अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रस्टिंग का प्रोसेस भी चलता रहेगा. अब इससे बचने के भी कुछ तरीके हैं, वो भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू गेट सेफ फ्रॉम द दैट कॉन्सेप्ट, इनसे रस्टिंग से कैसे बचा जाए. ठीक है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि हाउ टू गेट सेफ फ्रॉम रस्टिंग. करोजन मैंने आपको पहले भी बताया, मेटल का खराब हो जाना. ठीक है बेटा, शुरू ही इस लेक्चर से मैंने किया था कि मेटल का जो है खराब हो जाना. ठीक है, लेकिन रस्टिंग है आयरन का खराब हो जाए, आयरन भी मेटल है. ओवरऑल इसको रस्टिंग, इसको करोजन ही कहते हैं. ठीक है, अब इससे प्रिवेंशन कैसे की जाए, सर्टेन मेथड्स हैं. रिमूवल, अच्छा उसका सबसे पहला जो कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी गालवन के स्टेन्स जहाँ लग जाते हैं, जहाँ डेंट्स पड़ जाते हैं, वहाँ पे जो है ये रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो पहला तरीका ये कि आप रिमूव कर दें स्टेन्स को, एनोडिक रीजन ही ना दें उसको. जब एनोडिक रीजन ही नहीं होगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा. ठीक है, वो चार इलेक्ट्रॉन ही नहीं रिलीज होंगे. जब चार इलेक्ट्रॉन ही नहीं रिलीज होंगे तो आगे प्रोसेस ही नहीं चलेगा, रस्टिंग ही नहीं होगी, सॉल्ट ही नहीं बनेगा. तो सबसे पहला प्रोसेस है टू प्रिवेंट करोजन इज टू रिमूव द स्टेन्स. रिमूवल ऑफ स्टेन्स इज इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं, पेंट्स एंड ग्रीजिंग. ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑन द सर्फेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब देखें, अब यहाँ पे अगर एक एनोडिक रीजन बन गया था, वॉटर आ गया था सर्फेस, अगर मैं इसके ऊपर पेंट कर दूं या इसकी ग्रीजिंग कर दूं तो फिर इसके ऊपर जो है रस्ट नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि एयर ही नहीं एंटर हो सकेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं एंटर हो सकेंगे. तो इसका फायदा ये होगा कि ग्रीजिंग और पेंटिंग इज अनदर मेथड टू प्रिवेंट करोजन. विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द करोजन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स. अंडरलाइन करें इस बात को कि व्हाट आर स्टेबलाइजर्स. इसके ऊपर सवाल भी लिखना छोटा सा कि व्हाट आर स्टेबलाइजर. ग्रीजिंग होता है बेटा, ग्रीस लगा देना कि उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड ना हो सके, उसके ऊपर आ ना सके.
अलॉयिंग की बात करते हैं, तीसरा प्रोसेस है अलॉयिंग। अलॉयिंग क्या होता है? एक मेटल को दूसरे मेटल से ज्वाइन कर देना, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल लगा देना, और जो मेटल जो खराब हो रहा था उसके ऊपर दूसरा मेटल लगा देना ताकि जो है वो खराब नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस अलॉयिंग। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर देन अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। वैसे तो अलॉय मेटल के साथ ही होता है, लेकिन इसको सर अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो किसी भी एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्सचर बना लेना, उसको हम अलॉयिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन का, अगर आयरन को जो है हम क्रोमियम के साथ मिला दें, आयरन को हम निकल के साथ मिक्सअप कर दें, तो आयरन की रस्टिंग से बच सकते हैं हम। आयरन की रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि उसने अलॉयिंग कर ली है, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई है क्रोमियम की या निकल की। ठीक है, तो अलॉयिंग जो है एक अच्छा तरीका है। फिर मेटेलिक कोटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द करोजन ऑफ मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन। अब एसिडिक कंडीशन क्या थी? कार्बोनिक एसिड, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना था, इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। अब आयरन था, आयरन चूंकि रस्ट कर रहा था, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अच्छा, आयरन से को जो है रस्टिंग से बचाने के लिए हम टिन की इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग ऑफ आयरन विद अनदर मेटल या कोटिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम पढ़ रहे हैं आयरन का कॉन्सेप्ट, तो आयरन की कोटिंग अगर मैं टिन से कर दूं, है जी, तो करोजन नहीं होगी, करोजन से बचा जा सकता है। ठीक है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि उसके ऊपर एक और मेटल आ गया है जिसकी जो के एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, निचले वाला तो करता, लेकिन नीचे वाले के ऊपर एक लेयर आ गई है, एक कवरिंग आ गई है एक और मेटल की, तो जो बाहर से एयर आएगी, जो बाहर से कार्बोनिक एसिड आएगा, जो बाहर से आयरन के इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और रस्टिंग से इस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स थे मेटेलिक कोटिंग के बारे में। इसको डिटेल में जो है नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में जो है वी विल स्टडी। अब तक कोई सवाल? हमने देखा कि करोजन से बचा कैसे जा सकता है, स्टेन्स को रिमूव कर दें जो कि एनोडिक रीजन है, फिर पेंट से ग्रीस कर दें। ठीक है, अलॉयिंग इज अनदर, और मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इसको आगे भी हम चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर है जिंक कोटिंग, जिसमें है फिजिकल मेथड्स हैं और जिसमें आपके केमिकल मेथड्स भी हैं। सो एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। जी।